नमस्कार, आई मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस होली। जैसे कि सबको पता है कि होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जॉय एंड यूथफुलनेस। तो अगर आप इस होली इन कुछ खास उपायों के साथ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत और भी पॉजिटिविटी से भरने वाला है। तो सबसे पहले क्या करें, होली वाले दिन आप कलर्स के साथ रंगोली बनाएं। रंगोली से आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। इसके अलावा है कि आप उस दिन गणेश भगवान की पूजा हर कोई हर दिन करता है, लेकिन उस दिन आप गणेश जी की पूजा स्पेशल तरीके से कर सकते हैं। उनको ठंडाई का भोग लगा के, ठंडाई के भोग लगाने से गणेश भगवान की कृपा आपके घर के ऊपर बरसेगी और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि का भी विकास होगा। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ कड़वाहट है तो आप होली वाले दिन राधा कृष्ण की फ़ोटो को जो है गुलाल और फूल अर्पित करें, आपके रिश्तों में मिठास बनेगी। उस दिन अगर आपके में फ़ोटो नहीं है तो उस दिन एक फ़ोटो लेकर के लगा सकते हैं नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में। इसके अलावा है दोस्तों, करियर को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि करियर में बार बार बाधा आ रही है, तो आप उस दिन क्या कर सकते हैं, आप उस दिन जो है ईस्ट डायरेक्शन में उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाएं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा है कि आप होली वाले दिन जो हैं, अगर आपके छत पे ध्वज लगा हुआ है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। इससे भी आपके घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी का वास होगा। इसके अलावा है दोस्तों कि आप जो हैं ग्रीन, येलो, रेड इन कलर का चुनाव करें ताकि आपके अंदर जो है ऊर्जा, पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी भर जाए। आप जो डार्क कलर्स हैं वो नेगेटिविटी को शो करते हैं, तो अवॉइड डार्क कलर्स। आप ब्राइट कलर को यूज़ करें और अपनी होली को और भी खूबसूरत बनाएं। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस होली।